देखिए स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग और त्वरण के बारे में अध्ययन किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम इनके फॉर्मूलों को देखेंगे कि स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक वेग किसे कहते हैं और स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण क्या होता है। तो स्पर्श रेखीय का मतलब है कि वक्र के ऊपर किसी बिंदु पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग के वियोजित भाग अगर लेते हैं तो वो स्पर्श रेखीय वेग कहलाता है, और स्पर्श रेखा के अनुदिश अगर त्वरण का वियोजित भाग लेते हैं तो वो स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। इसी तरीके से अगर स्पर्श रेखा के ऊपर एक लंब खींचा जाए और उस लंब के अनुदिश वेग का वियोजित भाग लेते हैं तो वो अभिलंबिक वेग, और त्वरण का वियोजित भाग अगर लेते हैं अभिलंब दिशा में तो वो अभिलंबिक त्वरण कहलाता है। तो देखिए स्पर्श रेखीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो ds अपॉन dt होता है, जिसको हम s डबल डॉट लिखते हैं, और स्पर्श रेखा के लंबवत वेग का वियोजित भाग लेंगे तो वो अभिलंबिक वेग कहलाता है, और अभिलंबिक वेग प्रत्येक कण के लिए हमेशा जीरो होता है। स्पर्श रेखीय त्वरण यानी स्पर्श रेखा के अनुदिश त्वरण का वियोजित भाग, तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि dv अपॉन dt हो गया। dv अपॉन dt को हम vdv अपॉन ds भी लिख सकते हैं, और vdv अपॉन ds को हम d2s अपॉन dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये सभी स्पर्श रेखीय त्वरण के अलग अलग रूप है। प्रश्न के अंदर जो भी कंडीशन हमको दे रखी होगी उसके हिसाब से उसको हम अप्लाई करेंगे। अभिलंबिक त्वरण का मतलब है कि स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में त्वरण का वियोजित भाग अगर लेते हैं तो अभिलंबिक त्वरण है, और उसका मान होता है वी स्क्वायर अपॉन रॉ। यहाँ पर रॉ वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमने विभिन्न फॉर्मूले अपने पिछले वीडियो में देखे, तारतीय रूप में या ध्रुवीय रूप में, जिस भी रूप में वक्र दे रखा होगा उस रूप से हम रॉ की वैल्यू निकाल करके और इन सभी फॉर्मूलों को प्रश्न के अंदर अप्लाई करेंगे।